एवैस्कुलर नेक्रोसिस से बचना कौन नहीं चाहता है। एवैस्कुलर नेक्रोसिस बोले तो कूले का घिस जाना या एबीएन की प्रॉब्लम। अब एबीएन और एवैस्कुलर होता क्या है? एवैस्कुलर नेक्रोसिस, एबीएन का पूरा नाम ही एवैस्कुलर नेक्रोसिस होता है, और ये प्रॉब्लम जिसको भी होती है उसके ग्रोन एरिया बोले तो जननांगों में काफ़ी दर्द होता है, बटक एरिया यानी कि कूले के पीछे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, और जांघों में दर्द होता है, घुटने तक भी दर्द होता है। इसके अलावा मैं आपको आज बताने वाला हूँ एबीएन होता क्या है और एबीएन से हम कैसे बच सकते हैं, एबीएन का क्या ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हम इसमें क्या कराएं। कई बार डॉक्टर सर्जरी बोल देते हैं, क्या सर्जरी कराना बेस्ट है, अगर बेस्ट है तो किस लेवल पर आके सर्जरी कराना बेस्ट है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, हम इसके माध्यम से बताएंगे आपको कि एवैस्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है। देखिए, एवैस्कुलर नेक्रोसिस आम तौर पर ये समस्या 30 से 60 साल के जो है लोगों में या इससे अवब के लोगों में पाई जाती है, और आजकल तो किसी भी एज के लोगों में हो रही, कम एज के लोगों में 20-25 साल के लोगों में भी ये देखने को मिल रही है। लेकिन एवैस्कुलर नेक्रोसिस बोले तो एबीएन, कुछ शॉर्ट शब्दों में बोलते हैं इसको एबीएन, एवैस्कुलर नेक्रोसिस। तो जो एवैस्कुलर होता है उसे बोलते हैं ऑस्टियो, और नेक्रोसिस का मतलब होता है जो या गल जाना या जो है क्षतिग्रस्त हो जाना। अब क्षतिग्रस्त किसका? इसके हेड ऑफ फीमर का। तो ये फीमर का ये हेड होता है, गोला होता है ये ऊपर वाला, ये क्षतिग्रस्त होने लगता है तो इसको ऑस्टियो नेक्रोसिस बोलने लगते हैं। ऑस्टियो नेक्रोसिस भी बोल सकते हैं इसको, या फिर आप ये एवैस्कुलर नेक्रोसिस भी बोल सकते हैं। तो एक हिसाब से कूले की हड्डी जब घिसने लगती है तो उसको एवैस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। और एक बात आपको बता दूं, ये होता कैसे है, यहाँ पर जो इसकी ब्लड सप्लाई होती है वो उनकी, वो जब प्रॉपर नहीं होती है, इसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, तो ये जो है यहाँ पर जो बोन टिश्यू होते हैं वो जो है डैमेज होने लगते हैं, तो उनकी वजह से हमारे एवैस्कुलर नेक्रोसिस होता है। एवैस्कुलर नेक्रोसिस में ग्रेडिंग होती है, किस ग्रेडिंग पे जाके सर्जरी करानी चाहिए, या फिर हमको सर्जरी अगर बोला है तो क्या वह बेस्ट है। तो देखिए, जनरली एवैस्कुलर नेक्रोसिस को 4 ग्रेडों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अगर नंबर ग्रेड फर्स्ट है तो वह ट्रीट फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से हो सकती है, उसमें केवल हल्का फुल्का जो है पेन होता है और हल्का फुल्का स्पेस कम होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, वो ठीक हो जाती है। और सेकंड ग्रेड भी हो सकती है, थर्ड ग्रेड में भी जो है कोशिश करने पे ठीक हो सकती है, लेकिन जो तीसरी और चौथी ग्रेड होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, उसका जो है बोन काफ़ी डैमेज हो जाती है और यहाँ पर जो उसका गोला होता है वो घिस जाता है। तो इस हिसाब से जो है एवैस्कुलर नेक्रोसिस की ग्रेडिंग बढ़ जाती है, उन केसों में सर्जरी को डॉक्टर प्रीफर भी करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सर्जरी कब करानी चाहिए। तो इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या बेस्ट होता है तो आप ऑलरेडी मेरे और भी वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने तमाम वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, जाके आप आई बटन एंड स्क्रीन का डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना। इसके अलावा ये एवैस्कुलर नेक्रोसिस पे मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ, मेरे चैनल को यहीं पर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस कीजिए। मैं नयन सिंह बरेली से फिजियोथेरेपिस्ट, मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में जाके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आके क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको कब से प्रॉब्लम है, मेरी वीडियोस को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कितना सारा प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ इसके लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई होप कि मैं आपके लिए जल्दी और सारे वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए चलता हूँ फ्रेंड्स, बाय।